ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले का क्या था मकसद। 3 फरवरी को पश्चिमी यूपी के पिलखुआ की NH9 स्थित जिझासी टोल प्लाजा के पास ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 बार गोलियां चलाई गईं। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड सिक्योरिटी दी है। इस हमले को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को सचिन और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाले कौन है? ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले जिन 2 शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से एक का नाम शुभम और दूसरे का नाम सचिन है। सचिन गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है जबकि शुभम सहारनपुर के देवबंद का रहने वाला है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि वाहन पर फायर करने के बाद सचिन चाहता तो भाग सकता था लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। घटना का यह हो सकती है वजह। घटना से पहले 3 फरवरी को सचिन ने की थी ये पोस्ट। सचिन ने 3 फरवरी 2022 को दोपहर में महाराणा प्रताप, भगत सिंह, ओवैसी से जुड़ी 4 पोस्ट डाली थी। एक पोस्ट में उसने ओवैसी के उस भाषण का वीडियो डाला जिसमें वह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। इस वीडियो को कोट करते हुए सचिन ने लिखा था कि हिंदू पुत्र आएगा बचाने। इस पोस्ट के कुछ घंटे बाद ही उसने ओवैसी के काफिले पर हमला बोल दिया।